गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरफिरा बॉक्स ऑफिस डे वन एडवांस बुकिंग क्लोजिंग कलेक्शन इंक्रीज 24 आवर्स बट स्टिल नॉट अप टू अक्षय कुमार स्मार्ट। तो गाइस अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इंटरेस्टिंग अपडेट की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो गाइस सरफिरा फिल्म को डायरेक्ट किया है सुधा कोंगारा जो डायरेक्ट किए गए तमिल फिल्म सुराराई पोत्तुरु जो कि 2020 को रिलीज़ हुई थी यानी कि 2020 को रिलीज़ हुई। तो गाइस इस प्री रिलीज फिल्म सरफिरा जो कि रीमिक्स है इसे भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी कम कलेक्शन हो रहा है। बैक टू बैक अंडर परफॉर्मेंस रहा है अक्षय कुमार का बॉक्स ऑफिस पे। अब जो लेटेस्ट सरफिरा जो रिलीज़ हो गई है देखना यह है कि ये न्यू हिस्ट्री मेक करता है या ब्रेक करता है आफ्टर रिलीज सरफिरा फिल्म। तो दोस्तों काफ़ी सारे फिल्म्स अक्षय कुमार के फेल हुए जैसे कि राम सेतु, मिशन रानीगंज, बड़े मियाँ छोटे मियाँ और सेल्फी काफ़ी फ्लॉप गई है जिससे काफ़ी अंडररेटेड हो गए हैं अक्षय कुमार। इनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पे भी कलेक्शन पे भी बहुत भारी असर हुआ है। चलिए दोस्तों बात करते हैं सरफिरा बॉक्स ऑफिस प्री बुकिंग सेल्स के बारे में। फाइनल नंबर जो है वो बाहर आ गए हैं दोस्तों अक्षय कुमार के फ्रेम सरफिरा। एडवांस बुकिंग के वन डे का हुआ था 75 लाख जो कि थर्सडे की बात है ये, और ये ग्रोथ है 222% अगर हम कंपेयर करते हैं तो थर्सडे की प्री बुकिंग सेल से। तो गाइस 23.24 लाख हो गया है, अराउंड 35K टिकट्स ऑलरेडी सोल्ड हो चुके हैं। तो उसके कैलकुलेशन के हिसाब से 23.24 लाख का कलेक्शन फर्स्ट डे का होना चाहिए। तो गाइस इसी तरह मोर अपडेट्स के लिए गाइस लगता है कि ये सरफिरा फिल्म जो अक्षय कुमार की न्यूली रिलीज हुई कुछ कर दिखाएगी। आपको क्या लगता है? काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ तो आ रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। तो गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इंटरेस्टिंग अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉच।